इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अभी हाल ही में अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है, बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बना, बहुत ही उत्साह के साथ उसका उद्घाटन किया गया। समूचे अयोध्या नगरी में खुशियां मनाई गई, हर तरफ चहक और चमकदार चीज़ें लगी हुई थी। लेकिन ये जानकर आपको भी दुख होगा कि मंदिर की छत टपक रही है। अयोध्या में जो सड़कें बनाई गई, उस तरफ के जो रास्ते बनाए गए, उन रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर लगातार आ रही है। और अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप समझिए कि अयोध्या में जो काम किया गया है उसमें कितने पैसे का घबला किया गया होगा, कितना पैसा घबलेबाजी में। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये चोर लोग। चोर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चोरी ही है एक तरह से। अगर सही मटेरियल आप यूज़ नहीं करेंगे तो इसी तरीके से छत टपकेगी, इसी तरीके से सड़क ख़राब होगी। और ये चोर लोगों को तो बिल्कुल मतलब ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि भविष्य में ये लोग कोई इस तरीके का काम ही ना करें। इनको तो इनका सारे सर्टिफिकेट निकाल देने चाहिए। एक एक लोग जो उस जगह पर काम कर रहे थे उन लोगों को पकड़ना चाहिए, अधिकारियों को, मजदूरों को नहीं, जो अधिकारी वहाँ पर काम कर रहे थे, जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, जिनकी निगरानी में सब कुछ हुआ है, उन सब को बिल्कुल डीबार कर देना चाहिए। किसी भी तरीके का कभी भी कोई काम ना मिले ऐसा काम करना चाहिए। भगवान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। अरे देश में बेईमानों की पहले ही क्या कमी है, जो यहाँ भी और थोड़े से जो बेईमान थे वो और पहुँच गए। इस तरीके की हरकत बिल्कुल जो है वो गलत है। राम मंदिर इतनी आस्था का केंद्र रहा और सभी लोग यहाँ पर आया जाया करते हैं। अभी बारिश के टाइम में पहली बारिश भी नहीं झेल पाए, ऐसे ऊपर छत से पानी टपक रहा है, सड़कें खराब हो रही है। शर्म आनी चाहिए वहाँ के इंजीनियर्स को और शर्म आनी चाहिए सरकार को भी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है जब काम हो रहा था तो वहाँ अपना आदमी रखकर सब कुछ देखने का। जय